हेलो एवरीवन, तो आज मैं आपको लेके चल रही हूँ सरोजनी नगर और मैं दिखाने वाली हूँ कि आप वीकडेज में अगर सरोजनी नगर जाएंगे तो आपको किस तरीके की कलेक्शन मिलेंगे और किस तरीके की सेल देखने के लिए मिलेगी। इससे पहले मैं सरोजनी नगर की मंडे मार्केट की सेल की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, अगर नहीं देखा तो लिंक आई बटन में मिल जाएगा, तो देखिएगा जरूर। और इस वीडियो में मैं थोड़ी बहुत राखी स्पेशल भी होने वाली है, कुछ मैं आपको एथनिक ड्रेसेस के भी स्टॉल दिखाऊंगी, पटरी स्टॉल दिखाऊंगी और बताऊंगी कि 50-50 रुपीज़ की सेल आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलेगी और ज़्यादा मिलेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सेकेंड लॉकडाउन के बाद अब जो मैं नोटिस कर रही हूँ, पटरी वाले स्टॉल में भी आपको बहुत अच्छे कलेक्शन मिलते हैं। जो शॉप्स में है 200 के प्राइस में आप देख सकते हैं वन पीस ड्रेसेस थे, और ये आप एज ए कुर्ती भी वेयर कर सकते हो, वन पीस की तरह भी वेयर कर सकते हो, केवल 200 ओनली के प्राइस रेंज में था और कलर ऑप्शन बहुत थे, सारे मिक्स कलेक्शन थे। इन्होंने यहाँ पर इस तरीके के आप देख सकते हैं टॉप क्रॉप टॉप भी रखा हुआ था, स्टफ बहुत अच्छा था इसका। तो पहले जो पटरी वाले स्टॉल में था मोस्टली 50, 100, 200 की जो सेल होती थी उसमें टॉप टी शर्ट्स होते थे, बट आजकल जितने भी ट्रेंडी जितने भी टॉप चल रहे हैं वो सब भी आपको अब इस टाइम पे पटरी वाले स्टॉल में मिल जाएगा। और जो 200 वाले स्टॉल है ना उसमें वो आपको मतलब डिफेक्टेड पीसेस नहीं मिलते, फिर भी आप एक बार चेक करके लीजिएगा, और ना ही यूज्ड मिलते हैं। जो 50 वाला स्टॉल होता है ना वहाँ पर मोस्टली यूज़ होता है, और इस स्टॉल के साथ ही 150 के लोअर और पैजामों की सेल लगी हुई थी, और 200 के रेंज में आप देख सकते हैं इस तरीके की आपको टॉप और मतलब अपर मिल जाएगा। लेकिन यही चीज़ अगर आप शॉप से अंदर परचेज करोगे तो वो मैक्सिमम आपको 250 का तो सेल जरूर करेगा, बट वही आपको स्टॉल में बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मिल जाएगा। और इस तरीके के आप वन पीस ड्रेसेस भी देख सकते हैं, शर्ट के भी कलेक्शन थे, और इस तरीके नॉट वाली शर्ट अभी बहुत ट्रेंड में है, वो भी 200 ओनली की सेल में था। तो फर्स्ट टाइम मैंने देखा सरोजनी नगर में स्टॉल में ब्रांडेड कुर्तियों की भी सेल लगी हुई थी, वो भी मैं आप लोगों के साथ कवर करूंगी। और ये है 50 रुपीज़ की स्टॉल, और इस तरीके की स्टॉल आपको बहुत जगह मिलेगी, कुछ लेन में ज़्यादा है कुछ में कम है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना होता है, क्योंकि 50 रुपीज़ की स्टॉल में कुछ पीसेस अच्छे होते हैं, कुछ ख़राब होते हैं, पुराने से भी लगते हैं, तो इसमें ढूंढना पड़ता है, और डिफेक्टिव भी होते हैं वो भी चेक करना होता है। और इसमें आपको ब्रांडेड पीस कई बार मिल जाते हैं, लेकिन वो किसी डिफेक्ट की वजह से या फिर यूज होते हैं तभी वो यहाँ पर आते हैं। तो ये आप 50 रुपीज़ की स्टॉल के कलेक्शन देख सकते हैं। इस पटरी वाले स्टॉल के साथ ही जो शोरूम था वहाँ पे आपको एथनिक ड्रेस के कलेक्शन मिल जाएंगे, और ऑलमोस्ट बहुत जगह पे 50% ऑफ चल रहा है। अगर आप शोरूम से परचेस करना चाहते हैं तो भी आप सरोजनी नगर आ सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे शोरूम हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी आगे। तो पिक्सी लेन में जो पर्स और बैग के कलेक्शन हैं वो मैंने आपको बहुत बार शेयर किया अपने वीडियो में, लेकिन ये शॉप नंबर 57 के कलेक्शन है, और यहाँ पर आप देख सकते 300 की सेल में कुछ इस तरीके के आपको हैंड बैग मिलेंगे। ये जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ ब्लैक वाली, ये सारे 350 की सेल में है, प्राइस टैग लगा हुआ है आप देख सकते हैं, और 300, 200 और 100 की सेल में भी यहाँ पे आपको हैंडबैग मिल जाएंगे। और शॉप के अंदर जो थे उनके प्राइस थोड़ी ज़्यादा थे, बाकी ये 400 में देख सकते हैं, 200 में कुछ इस तरीके से साइड बैग वाले देख सकते हैं, और जितने ये शोल्डर बैग ऊपर हैंग हो रखे ये 400-450 के प्राइस रेंज पे हैं, और 200 के प्राइस रेंज में कुछ इस तरीके के यहाँ पे हैंग हो रखे, 200 प्राइस रेंज में भी अच्छे थे स्लिंग बैग साइड बैग। और ये देख सकते हैं ये भी 200 की सेल पे है, नीचे देख सकते हैं ये 250 की सेल में लगी हुई थी, और 100 वाले जो थे सबकी क्वालिटी में भी डिफरेंस था, 100 वाले जो हैं इसमें यहाँ पर थोड़ी हल्के क्वालिटी की थी, बट ठीक है अगर आपको चलता है तो इस तरीके के 100 रुपीज़ के आपको सेल में मिल जाएंगे। तो अगर आप गेट नंबर 3 से एंटर हुए हैं तो मेरे पार्ट 1 पार्ट 2 वाले वीडियो को जरूर देखिएगा, मैंने मोस्टली उस लेन को ही कवर किया है, और इसी शॉप के साथ ही आपको 100 रुपीज़ की प्राइस में इस तरीके के सारे बैंगल मिल जाएंगे, कोई सा भी आप पिक कर सकते हैं, 100 रुपीज़ ओनली के प्राइस रेंज में थी। तो इस टाइम पे 250 के प्राइस में आपको नाइट सूट के भी कलेक्शन मिलते हैं, स्टफ थोड़ी अलग रहता है, प्रिंट देखिए डिज़ाइन आपको बहुत मिल जाते हैं, और ये 200 के प्राइस रेंज में भी मुझे मिला था, वो मैं वीडियो में आगे दिखाऊंगी, ये 250 के प्राइस रेंज में है। और इसी के साथ इनके पास कुर्तियाँ भी थी, वो 200 ओनली के प्राइस रेंज में थी, और कुर्ती प्लाजो सेट 250 ओनली के प्राइस रेंज में भी था। तो अभी इस टाइम पे 250 के प्राइस रेंज में कुर्ती प्लाजो सेट बहुत जगह मिलेंगे, लेकिन जब आप उसे चेक करेंगे तो क्वालिटी में हर जगह डिफरेंस होगा। मुझे एक जगह पे बेस्ट क्वालिटी लगी वो भी मैं बताऊंगी, और देख सकते हैं ये शोरूम है कुर्ती सूट साड़ी लहंगे का, यहाँ पर भी सेल लगी हुई है, और शॉप के बाहर पर 350 के प्राइस रेंज में इस तरीके की लखनवी प्रिंट में चिकनकारी कुर्तियाँ चाहिए आपको तो सब आपको मिलेंगी, हैवी वाली मिरर वर्क वाली भी ओनली 350
150 प्राइस रेंज में। शॉप नंबर 158 के बाहर ही आपको 100 रुपीज के प्राइस में इस तरीके की शर्ट की सेल मिल जाएगी। और कुछ अच्छे थे बट कुछ पुराने भी लग रहे थे, तो आपको इसमें चूज करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। और हाँ, इनके स्लीव्स ओपन करके जरूर चेक कर लीजिएगा कहीं कोई डिफेक्ट ना हो, क्योंकि इनके स्लीव्स फोल्ड होते हैं। और इसके साथ ही जो शॉप थी वहाँ पे आपको 500 रुपीज के प्राइस रेंज में सेल मिल रही थी, कुछ इस तरीके के बैग्स थे। और साथ ही बाहर जो स्टॉल में 200 की सेल में वन पीस ड्रेसेस की सेल आपको मिल जाएगी। तो इसी लेन में जब आप आगे जाएंगे तो 60 रुपीज़ की सेल और 100 रुपीज़ की सेल भी बहुत मिलेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि केवल आपको मंडे मार्केट के ही दिन इस तरीके की सेल देखने के लिए मिलेगी, वीकडेज में भी आप जाएंगे तो आपको सेल में जाके देख, जैसे कि आप देख सकते हैं सारे मिक्स कलेक्शन है, टी शर्ट आप क्रॉप टॉप सब मिक्स कर रखा है। लेकिन हाँ, इसमें कुछ अच्छे भी थे, लेकिन जैसे कि आपको इसमें देखिए एक होल दिख रहा है, तो जो न्यू वाले हैं तो उसको अच्छे से चेक करिएगा उसमें कुछ डिफेक्ट ना हो। और 100 रुपीज़ की सेल में इस टाइम पे मार्केट में आपको ट्राउज़र कैपरी बॉटम बहुत मिल रहे हैं। थोड़ी सी आगे जाने पर आपको 60 रुपीज़ की सेल मिलेगी, जहाँ पे आपको समर के अकॉर्डिंग प्रिंटेड शॉर्ट के कलेक्शन मिल जाएंगे। और दो पेयर अगर आप पिलो कवर का परचेज करेंगे तो 150 ओनली के प्राइस रेंज में और अच्छी क्वालिटी के थे। और बेडशीट में बाय वन गेट वन फ्री ऑफर चल रहा था, जो कि ब्रांडेड बेडशीट थी। अगर आप मैक्सी ड्रेसेस परचेस करना चाहते हैं या इस तरीके से कोई लॉन्ग आप सूट परचेस करना चाहते हैं, तो ये वाली जगह है जहाँ पे आपको 500 के फिक्स प्राइस में मिल जाएगी। ये विद कोटी थी और देख सकते हैं सारे आप मिक्स कलेक्शन है, हैवी भी मिल जाते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं विद जैकेट वाली भी थी, इसमें सेपरेट हो जाएगा ये। तो बहुत कलेक्शन है इनके पास, मैं थोड़ी बहुत आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरीके की कलेक्शन अगर आपको परचेस करना है तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, बेस्ट प्लेस है। अगर आप जीन्स की स्कर्ट या आप शॉर्ट परचेस करना चाहते हैं तो इसी लेन में आपको मिल जाएगी। इसका प्राइस भैया 250 बोल रहे थे, लेकिन बार्गेनिंग करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए थे। और इसका लैंडमार्क भी मैं आपको दिखा देती हूँ, शूज एंड टोज के शोरूम के जस्ट साथ ही था ये शॉप। अगर आप अंडर गारमेंट्स परचेस करना चाहते हैं तो सरोजनी नगर में बहुत ही अच्छी क्वालिटी के मिल जाते हैं और प्राइस भी बहुत रीजनेबल होता है। अगर हम ऑनलाइन परचेस करने जाएंगे तो ये और ज़्यादा कॉस्टली मिलते हैं। और उसी के साथ जो स्टॉल था ये 150 रुपीस वाला स्टॉल है। और यहाँ पे आपको जितने भी मैं टॉप और शर्ट के कलेक्शन दिखा रही हूँ, ये अगर आप शॉप में जाएंगे ना तो आपको मैक्सिमम 200 तो बिल्कुल ही ये देंगे। इसमें आप देख सकते हैं ये टू पीस है, इसका शॉप में 250 के अराउंड प्राइस बताएंगे। बट इस तरीके के बहुत अच्छे कलेक्शन आपको इस टाइम पे पटरी वाले स्टॉल में भी मिल जाते हैं। जैसे 150 और 200 वाले स्टॉल बहुत ही अच्छे होते हैं, उसमें अच्छे कलेक्शन होते हैं, सारे न्यू पीसेस होते हैं। जैसे कि ऑफ शोल्डर ये देख सकते हैं, ये भी 150 के प्राइस रेंज में था। जैसे कि फेस्टिवल आ रहा है और अगर आप इस तरीके की पोटली वाले बैग या हैंडबैग क्लच बैग लेना चाहते हैं तो वो भी आपको सरोजनी नगर में मिल जाएगा। स्टार्टिंग प्राइस 100 रुपीज़ है। तो अगर आप सरोजनी नगर आए हैं और एथनिक में कुछ परचेस करना चाहते हैं, कुछ हैवी सूट्स या प्लाजो कुर्ती प्लाजो सेट परचेस करना चाहते हैं या ब्लाउज रेडीमेड 400 ओनली के प्राइस में, तो ये शॉप नंबर 43 वाली लेन है। यहाँ पे जितनी भी साड़ी दिख रही है 500 की टू हैं। और इस तरीके के आपको बहुत सारी शॉप में बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन मिलेंगे, साड़ी भी बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मिल जाती है। आप शॉप के बाहर जो सेल लगी हुई है उससे भी आप चूज़ कर सकते हैं या आप शोरूम के अंदर भी जाके परचेस कर सकते हैं। देखिए आप जैसे कि मेंशनड है और यहाँ पे अभी डिस्काउंट भी चल रहा है। और रेडीमेड जितने भी ब्लाउज है वो 400 की सेल में लगी हुई थी इसी वाली शॉप में। अगर आपको अपने लिए या गिफ्ट करने के लिए ट्रेडिशनल कुछ परचेस करना है तो गेट नंबर 1 से भी जब आप एंटर होते हैं ना तो काफ़ी शोरूम, 2-3 ही शोरूम आते हैं वहाँ पे। बट अगर आप शॉप नंबर 43 वाली लेन में जाएंगे ना तो यहाँ पे आप राइट हैंड साइड में देख सकते हैं सारी जितनी भी शॉप्स हैं ये सारी साड़ी सूट्स के ही हैं और बहुत अच्छे कलेक्शन मिल जाते हैं। मैंने कई बार यहाँ से परचेस भी किया है और अभी तो अच्छे डिस्काउंट चल रहे हैं, आप देख सकते हैं। एथनिक कुछ भी परचेस करना हो तो ये वाली लेन को आप चेकआउट जरूर करिएगा। तो मेरी एक सब्सक्राइबर ने पूछा था क्या सरोजनी नगर में राखी मिल रही है, तो हाँ सरोजनी नगर में राखी मिल रही है बट पर्टिकुलर कोई शॉप नहीं है, जैसे घूम घूम के सेल करते हैं ना उस तरीके से मुझे दिखी थी। और दूसरा कि 15 अगस्त को क्या सरोजनी नगर खुला रहता है, तो नहीं, 15 अगस्त को सरोजनी नगर क्लोज रहेगा। और अब आगे मैं आप लोगों के साथ एक प्रोडक्ट रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ, उसके बाद सरोजनी नगर का वीडियो कंटिन्यू करेंगे। मैं आप लोगों के साथ बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट शेयर करने जा रही हूँ, हेयर रिमूवर क्रीम बिकनी लाइन के लिए। अब वो क्रीम यूज़ करें जो प्रॉपर बिकनी लाइन के हेयर रिमूवल के लिए बनी है। मैं आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, नेचुरल, रेडियंस और सिल्की। वैसे तो आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं अपने स्किन टाइप के। तो देख लेते हैं इस बॉक्स के अंदर क्या है। तो इसके अंदर है 50 ग्राम क्रीम, 2 टिश्यू टैबलेट मिलेंगे जिसे आप पानी में डिप करेंगे तो अच्छा टॉवल बन जाता है, साथ ही स्पैचुला मिलेगा और एक मिलेगा इंस्ट्रक्शन मैनुअल जिसे आप
रीड जरूर कर लीजिएगा। क्रीम को यूज करने से पहले आप पैच टेस्ट जरूर कर लीजिएगा 24 आवर बिफोर। थोड़ी सी पोशन आपको अपने बॉडी में लगा के चेक करना है। अगर आपकी बॉडी में कोई इरिटेशन नहीं हो रही है, इसका मतलब आपको ये क्रीम बिल्कुल अच्छे से सूट करेगा, उसके बाद ही आप इसे यूज करिएगा। देख लेते हैं आप इसे किस तरीके से यूज करना है। तो अब मैं यूज करने जा रही हूँ एवरटीन का रेडियंस क्रीम, और इसे यूज करने से पहले 72 आवर बिफोर आपको किसी तरीके का शेव यूज नहीं करना है। और साथ ही आपको इस बात का याद रखना है कि अपने जेनिटल एरिया में इस क्रीम को नहीं लगाना है, ओनली आपको हेयर के ऊपर लगाना है, और 5 मिनट से ज़्यादा आपको इसे नहीं छोड़ना है, इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो देखिए आप 5 मिनट हो चुका है, तो आप चाहें तो इसे किसी क्लीन क्लॉथ से पोंछ सकते हैं, या फिर इस तरीके से स्पैचुला यूज़ करके थोड़ी इजी हो जाता है, और मैं इसी तरीके से यूज़ करती हूँ, इसे क्रीम पूरा निकल जाता है और इसके बाद इसे आप क्लीन वाटर से साफ़ कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे रिजल्ट मिले हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं है, और एवरटीन इंडिया का नंबर 1 ट्रस्टेड ब्रांड है, और इसकी वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आप इसे ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट का लिंक भी मिल जाएगा, उसके थ्रू भी आप इसे परचेज कर सकते हैं। इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और ऑफर्स भी चलते रहते हैं, उन सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आई होप आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल रहा होगा। तो चलिए अब वापस हम सरोजनी नगर मार्केट चलते हैं। तो अब मैं पहुंच गई हूँ शॉप नंबर 36A के जस्ट अपोजिट। यहाँ पे 2 पटरी वाले स्टॉल है, यहाँ पे आपको कुर्ती, प्लाजो, सरारा, गरारा सबके सेट मिल जाएंगे। अगर सिंगल आप कुर्ती भी परचेज करना चाहते तो वो भी मिल जाएगा। ऊपर कुछ पीसेस हैं जिनका विद दुपट्टा है, उसका 650 प्राइस था, और नीचे जितने भी आपको कुर्तियाँ दिख रही हैं सबका 350 प्राइस था। ऑलमोस्ट इस तरीके के कलेक्शन ना सभी जगह पे हैं, जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था, और प्राइस भी ऑलमोस्ट सेम है। बार्गेनिंग करके देख लीजिएगा, थोड़ी बहुत अगर कम कर देंगे। बाकी इधर पे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो विद दुपट्टे वाले उसका प्राइस 650 बोल रहे थे, बाकी 500-550 इस प्राइस रेंज में है। इस स्टॉल के साथ एक और स्टॉल था जहाँ पे आपको एथनिक ड्रेसेस के कलेक्शन मिल जाएंगे, और इसी लेन में जब आप आगे जाएंगे ना तो यहाँ पे देखिए कुर्ती, प्लाजो के सेट थे, इनकी क्वालिटी मुझे थोड़ी अच्छी लग रही थी, और साथ ही ये राउंड नेक में थे, बाकी मोस्टली वो कॉलर नेक वाले ही मिलते हैं। बट ये जो है प्लाजो सेट जो है 250 प्राइस रेंज में था और नए लग रहे थे प्रिंट, ये नहीं कहूंगी कि बहुत ही अच्छे थे, लेकिन हाँ 250 के अकॉर्डिंग वर्थफुल थे। इसी लेन में जब आप आगे जाएंगे तो राइट हैंड साइड में आपको ये शोरूम मिलेगा, यहाँ पे 50% डिस्काउंट में थे जितने भी एथनिक ड्रेसेस साड़ी परचेज करना चाहते, तो अगर आप इस लेन में भी तो इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। लैंडमार्क लाल फर्निशिंग के जस्ट अपोजिट में ही था, और उसके शॉप के बाहर 80 रुपीज के प्राइस में स्टोल मिल रहा था, कॉटन के थे, मिक्स थे, और 60 रुपीज में भी ये मिलता है, मैंने अपने पुराने वीडियो में दिखाया हुआ एक्सपोर्ट वाली लेन में। इस वाली लेन में उतनी ज़्यादा क्राउड नहीं होती, बट मुझे ये लेन पसंद आती है क्योंकि यहाँ पे 50-100 की अच्छी सेल मिल जाती है, और ये लेन आगे जाके बिक्सी वाली लेन से कनेक्ट होती है, और बिक्सी लेन में तो सबसे बेस्ट कलेक्शन मिलते हैं, उसके मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगी। तो नोटिफिकेशन बेल को जल्दी से प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्दी आने वाला है। तब तक बाय बाय।